कारवर्सल पे स्वागत है सभी का। मेरा नाम है हर्ष बब्बर और ये एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 न्यू एसयूवी कार्स लॉन्चिंग इन इंडिया इन 2020, जिनका जो प्राइस है वो 20 लाख रुपए से कम है। तो आज की वीडियो में इन टॉप 10 नई एसयूवी कार्स जो कि इंडिया में लॉन्च होगी 2020 में, इन सब के बारे में बात करेंगे। और फिर आप कमेंट्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको इन 10 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई और इन 10 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आप खरीदना पसंद करेंगे जब वो इंडिया में लॉन्च होगी। तो इस वीडियो को आप सब देखते रहें इन 10 नई एसयूवी कार्स के बारे में जानने के लिए। तो अगर आपको गाड़ी के बारे में इंटरेस्ट है या फिर अगर आपको गाड़ी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कारवर्सल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही बेस्ट प्लेस है गाड़ियों के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो जो इस लिस्ट की पहली गाड़ी है या फिर इस लिस्ट की जो पहली एसयूवी है जो कि इंडिया में लॉन्च होगी 2020 में और जिसका जो प्राइस टैग होगा वो है 20 लाख रुपये से कम का, तो वो है 2020 वाली महिंद्रा थार। तो इस गाड़ी की इंडिया में कई महीने से टेस्टिंग चल रही है और जिससे ये कंफर्म होता है कि ये वाली गाड़ी ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होगी। तो जो 2020 वाली महिंद्रा थार है आपको दो फॉर्मेट्स में मिलेगी। एक तो आप ले सकते हैं फॉर्मेट जिसमें आपकी जो गाड़ी की पूरी रूफ है आपको फुली मेटल की रूफ आपको मिलेगी और जो कि नॉन डिटैचेबल होगी, और एक आपको मॉड्यूल मिलेगा जिसमें आपकी जो गाड़ी की रूफ है वो आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि आपको अभी वाली थार में मिलती है। बस आपको जो है एक कैनेपी जैसे आपको लेदर का या फिर किसी और मटेरियल का आपको मिलेगा जो कि आपकी गाड़ी पे माउंटेड होगा, अटैच्ड होगा, और उसे अगर आपको कभी भी डिटैच करना है अपनी गाड़ी से तो आप कुछ भी थोड़े बहुत प्लग्स को हटा के आप कर सकते हैं। और बाकी जो 2020 वाली थार होगी उसके जो कई कुछ जो लुक्स है आपको जीप की रैंगलर जैसी मिलेगी, और जो बाकी आइकॉनिक जो थार की लुक है जिसमें आपको राउंडेड हेडलाइट्स मिलती है, बाकी आपको जो है काफ़ी बड़े बड़े आपको साइड में फेंडर्स मिलते हैं, बॉक्सी टाइप आपको डिज़ाइन मिलता है, तो वैसे ही इसमें आपको मिलेगा। अब वाली जो थार होगी काफ़ी उसमें आपको अपग्रेडेशंस मिलेंगे इंटीरियर में, जैसे कि जो अब वाली थार होगी उसमें आपको लेदर की सीट्स मिलेगी, जो डैशबोर्ड की और बाकी इसके डोर पैनल्स की जो क्वालिटी है आपको पहले से काफ़ी अपग्रेडेड मिलेगी। और जो अब वाली थार है उसमें आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले भी मिलेगा इसके डैशबोर्ड में, और इसमें अब आपको पेट्रोल का ऑप्शन भी मिलेगा। और जैसे कि जो पहली वाली थार है वो आपको 4x4 कैपेबिलिटी इसके साथ मिलती है, तो अब वाली थार भी मिलेगी। तो इस गाड़ी का लॉन्च 2020 में हो जाएगा और पहले से काफ़ी अच्छी गाड़ी होगी ये। फिर जो अगली गाड़ी है जो कि इंडिया में लॉन्च होगी 2020 में वो है सिट्रॉइन की C5 एयरक्रॉस। तो जैसे कि जो सिट्रॉइन है वो एक फ्रेंच का ब्रांड है जो कि इंडिया में अगले साल लॉन्च होगा, और ये कंफर्म कर दिया है सिट्रॉइन के CEO ने। और जो उनकी इंडिया में पहली गाड़ी होगी वो है सिट्रॉइन की C5 एयरक्रॉस, जो कि सिट्रॉइन की एक 5-सीटर क्रॉसओवर / उनकी एक मिड साइज SUV है। इस गाड़ी में आपको काफ़ी लक्सी लुक्स मिलती है, और जो इस गाड़ी का बेस्ट पार्ट है वो है इसका इंटीरियर जो कि आपको काफ़ी लग्जूरियस मिलता है और जिसकी जो क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। तो जो सिट्रॉइन की C5 एयरक्रॉस है उसमें आपको जो क्वालिटी मिलेगी और बाकी इसका जो सेगमेंट है आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो MG हेक्टर का और जो टाटा हैरियर का सेगमेंट है इंडिया में वो वाला सेगमेंट है। तो इस गाड़ी में आपको डीजल का भी ऑप्शन मिलेगा इंजन में और पेट्रोल का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। इस गाड़ी के अगर आप थोड़े बहुत फीचर्स में देखें तो इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलती है, 18 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और बाकी आपको 9 इंच तक आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। जो उसका ड्राइवर जोन है उसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और बाकी जो दोनों फ्रंट की सीट है उसमें आपको हीटिंग और वेंटिलेशन का फंक्शन मिलता है। और बाकी काफ़ी प्रीमियम गाड़ी होगी इंडिया में, और इसमें आपको जो इंजन्स मिलेंगे वो भी आपको काफ़ी पावरफुल मिलेंगे। इस गाड़ी का भी इंडिया में टेस्ट चल रहा है और जिससे कन्फर्म होता है कि इंडिया में ये गाड़ी लॉन्च होगी। और बाकी इस गाड़ी का अगर आप बेस्ट पार्ट देखें तो वो है इसकी लुक्स और बाकी इसकी जो आपको इंटीरियर की क्वालिटी मिलती है। फिर जो अगली गाड़ी है इस लिस्ट की जो कि इंडिया में लॉन्च होगी 2020 में और जो कि 20 लाख रुपए से कम के बजट की है, तो वो है किया की QYI या फिर किया की कॉम्पैक्ट SUV। तो ये भी कन्फर्म हो चुका है कि ये वाली गाड़ी इंडिया में लॉन्च होगी, और ये किया की सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV होने वाली है इंडिया में, और इंडिया में ये गाड़ी राइवल करेगी महिंद्रा की XUV300 से। और बाकी अगर आप ह्यूंडई की वेन्यू को देखें और दूसरी गाड़ियों से जो कि इसके सेगमेंट में आती है, और इस गाड़ी के जो लुक्स आपको काफ़ी कुछ किया की स्टॉनिक जैसी मिलेगी, क्योंकि जो किया की स्टॉनिक है वो इंटरनेशनल मार्केट में किया की सबसे छोटी SUV है, तो उसी के थोड़े बहुत लुक्स लेके किया इस गाड़ी को इंडिया में बनाएंगे। तो अगर आप इसका प्लेटफॉर्म देखें और बाकी इसके इंजन्स देखें तो आपको वही मिलेंगे जो कि आपको इंडिया में ह्यूंडई वेन्यू में मिलते हैं, और बाकी ट्रांसमिशन भी आपको वही मिलेगी। लेकिन बस इस गाड़ी की जो क्वालिटी होगी और बाकी इस गाड़ी में जो आपको फीचर्स मिलेंगे वो आपको ह्यूंडई वेन्यू से काफ़ी अच्छे मिलेंगे, जैसे कि इसमें आपको सनरूफ मिलेगी, बाकी आपको एक बड़ा 9 इंच तक आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, और बाकी आपको LED हेडलाइट्स मिलेगी, टेल लाइट्स आपको मिलेगी, और इसकी जो इंटीरियर की क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। और बाकी फिर इस गाड़ी का जो टेस्ट है वो भी इंडिया में स्टार्ट हो चुका है,
और जैसे कि आपको ह्यूंडई वेन्यू में आपको तीन इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन इस गाड़ी में आपको दो ही मिलेंगे। एक तो आपको जो ह्यूंडई वेन्यू का 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है वो आपको मिलेगा, और डीजल में आपको 1.4 लीटर का डीजल इंजन मिलेगा जो कि आपको ह्यूंडई वेन्यू में मिलता है। और इस गाड़ी का जो प्राइस है वो तो काफ़ी कम ही रहेगा, अराउंड 7.5 लाख रुपये से स्टार्टिंग होगी इसकी प्राइस की एक शोरूम इंडिया, और 12.5 लाख रुपये तक की जाएगी। तो इसलिए इसकी काफ़ी सस्ती गाड़ी होने वाली है ये, और काफ़ी अपनी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी होने वाली है। फिर जो इस लिस्ट की अगली गाड़ी है जो कि इंडिया में लॉन्च होगी 2020 में और जो कि 20 लाख रुपए से कम के बजट की आएगी, तो वो है मारुति की विटारा या फिर सुजुकी की विटारा। तो जैसे कि जो सुजुकी की विटारा है उनकी एक 5 सीटर एक मिड साइज एसयूवी है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ह्यूंडई क्रेटा के साथ और बाकी किया सेल्टोस के साथ राइवल करती है। और 2020 में मारुति इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करेंगे और काफ़ी कम प्राइस में इसे ऑफर किया जाएगा, जिससे गाड़ी अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बनेगी। तो जो मारुति की विटारा है उसमें आपको दोनों ही डीजल के भी इंजन्स मिलेंगे और आपको पेट्रोल के भी इंजन्स मिलेंगे। और बाकी इस गाड़ी में आपको जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे वो ये है कि इसमें आपको एक बड़ा 9 इंच तक का आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा। इसमें आपको एक्सपेक्टेड है कि पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, और अगर ये 4x4 के ऑप्शन में आती है तो इसमें सुजुकी का ऑल ग्रिप प्रो 4x4 ऑफ रोडिंग सिस्टम भी मिलेगा। तो उसी से आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी गाड़ी होने वाली है ये। बाकी फिर इस गाड़ी की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो तो आपको ठीक ठाक ही मिलेगी, जैसे कि आपको मारुति की गाड़ियों की मिलती है। और जो बेस्ट पार्ट होने वाला है इस गाड़ी का वो है इसका प्राइस, जो कि अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी कम रहेगा। तो जैसे कि जो मारुति की गाड़ियाँ होती है इंडिया में काफ़ी सस्ती होती है और अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी रहती है, तो वैसे ही जो विटारा है वो भी रहेगी। तो इस गाड़ी का प्राइस कुछ कह सकते हैं कि 8.5 लाख रुपये से लेकर अराउंड 15 लाख रुपये इंडिया में एक शोरूम इंडिया होगा, और उस प्राइस से काफ़ी सस्ती गाड़ी होगी अपने सेगमेंट की, और एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी लोग इस गाड़ी को खरीदेंगे इंडिया में। और फिर जो इस लिस्ट की अगली गाड़ी है वो है महिंद्रा की स्कॉर्पियो का 2020 वाला वर्जन, जो कि इंडिया में 2020 में लॉन्च होगा। तो जैसे कि जो स्कॉर्पियो है वो महिंद्रा की एक 7 सीटर एक मिड साइज एसयूवी है जो कि इंडिया में अराउंड 16 सालों से बिक रही है और इंडिया में अपने सेगमेंट की बेस्ट सेलिंग कार है। और इंडिया में जो अर्बन लाइक 7 सीटर एसयूवी वाला सेगमेंट है, एक तरह से एसी वाली गाड़ी ने स्टार्ट किया था, और इसमें एक नया वाला वर्जन भी लॉन्च करेंगे महिंद्रा 2020 में, जिसमें आपको एकदम नई लुक्स मिलेगी, एकदम नए आपको फीचर्स मिलेंगे, और जो गाड़ी होगी पहले से काफ़ी अपडेटेड होगी और पहले से काफ़ी बेहतर होगी। तो इस गाड़ी को भी महिंद्रा इंडिया में टेस्ट कर रहे हैं, जिससे कंफर्म होता है कि महिंद्रा इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो जो 2020 वाली स्कॉर्पियो होगी इसमें आपको पहले से काफ़ी अपडेटेड फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि जो 2020 वाली स्कॉर्पियो होगी उसमें आपको सनरूफ का ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको अभी तक तो फिलहाल नहीं मिलता, और बाकी इसमें आपको पहले से काफ़ी लग्जूरियस आपको इंटीरियर मिलेगा, जैसे कि आपको महिंद्रा की XUV 5W में मिलता है, और पहले की तरह ही इसमें आपको 4x4 कैपेबिलिटीज़ मिलेगी। और अब वाली जो स्कॉर्पियो होगी इसमें आपको ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको अभी तक तो नहीं मिलता, और जैसे कि जो अब वाली स्कॉर्पियो होगी इसमें आपको जो थर्ड रो ऑफ सीट है वो आपको फ्रंटवर्ड फेसिंग मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अलिया जो कि साइडवर्ड फेसिंग मिलती है आपको। और जो ओवरऑल गाड़ी होगी पहले से काफ़ी अर्बन लाइक होगी और पहले से काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा बिकेगी। तो इस गाड़ी का भी इंडिया में लॉन्च हो जाएगा 2020 में, और इसका भी जो प्राइस है जैसे कि मैंने बोला और इस वीडियो का टॉपिक है 20 लाख रुपए से कम का होगा। और फिर जो इस लिस्ट की अगली गाड़ी है जो कि इंडिया में लॉन्च होगी 2020 में और जो कि 20 लाख रुपए से कम के बजट की आएगी, वो है ह्यूंडई क्रेटा का 2020 वाला वर्जन। तो इस गाड़ी का भी ऑफिशियल लॉन्च इंडिया में 2020 में हो जाएगा, और बाकी जैसे कि जो 2020 वाली क्रेटा है वो तो चाइना में ह्यूंडई ने ऑफिशियली अनवील कर दी है, तो पहले से काफ़ी डिफरेंट लुक की है ये गाड़ी, पहले से इसमें आपको काफ़ी अलग सी लुक्स मिलती है। और जो बेस्ट पार्ट रहेगा 2020 वाली क्रेटा का वो ये है कि इसमें आपको पहले से काफ़ी लग्जूरियस इंटीरियर मिलेगा और जो फीचर लिस्ट है आपको पहले से काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो जैसे कि जो 2020 वाली क्रेटा है वो चाइना में IX25 के नाम से उसे बेचा जाता है, और जो IX25 का 2020 वाला वर्जन है वो ह्यूंडई ने ऑफिशियली चाइना में अनवील कर दिया है। तो उससे अगर आप थोड़े बहुत इसके फीचर्स में देखें तो इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, और इसमें आपको बड़ा 10 इंच का आपको वर्टिकल टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, और जिसका ड्राइवर जोन है उसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, और जिसकी स्टाइलिंग है जो इसके लुक्स आपको काफ़ी कुछ जो है ह्यूंडई वेन्यू जैसी मिलेगी, जिसमें इस गाड़ी में आपको फ्रंट में बड़ी सी ह्यूंडई की कैस्केडिंग ग्रिल मिलेगी, और बाकी इसकी जो हेडलाइट्स है वो आपको 3 पार्ट्स में स्प्लिट मिलेगी। और यही जो डिज़ाइन लैंग्वेज है इसके पीछे भी कंटिन्यू की गई है, जिसमें इस गाड़ी की जो पीछे वाली लुक्स है वो भी आपको काफ़ी पहले से अलग सी मिलती है। इस गाड़ी में आपको 17 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, और बाकी इस गाड़ी की जो फिट एंड फिनिश होगी पहले से काफ़ी अच्छी होगी,
और एक्सपेक्टेड है कि पहले वाली जो क्रेटा आती है उससे अब वाली जो क्रेटा होगी वो सस्ती होगी, और वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस गाड़ी का चाइना वाला रेट कंपेयर करें तो जो नई वाली क्रेटा है अराउंड 40,000 रुपये आपको सस्ती मिलेगी पहली वाली क्रेटा से। तो अगर आप इस गाड़ी का इंडिया का प्राइस देखें तो एक्सपेक्टेड है कि 9.5 लाख रुपये से लेके मैक्सिमम अराउंड 16 लाख रुपये एक्सट्रीम इंडिया का होगा, और इस प्राइस से काफ़ी अच्छी गाड़ी होने वाली है अपने सेगमेंट की और काफ़ी अच्छा बिकेगी ये गाड़ी। तो फिर जो इस लिस्ट की अगली एसयूवी है जो कि इंडिया में लॉन्च होगी 2020 में और जो कि इंडिया में लॉन्च होगी 20 लाख रुपए से कम के प्राइस की, तो वो है महिंद्रा की एक्सयूवी 5W का 2020 वाला वर्जन। तो जैसे कि जो 2020 वाली महिंद्रा की एक्सयूवी 5W होगी वो जो सैंग्योंग की कोरांडो आती है उसी के प्लेटफॉर्म में बेस्ड होगी। तो जैसे कि जो सैंग्योंग की कोरांडो है वो सैंग्योंग की एक प्रीमियम एक 5 सीटर मिड साइज एसयूवी है जो कि वो कोरिया में और बाकी यूरोप में बेचते हैं। तो उसी का प्लेटफॉर्म लेके महिंद्रा अपनी जो एक्सयूवी 5W है उसे इंडिया में डेवलप करेंगे। तो वैसे ही सैंग्योंग कोरांडो का जो साइज़ है काफ़ी कुछ बड़ा है, तो उसके बस थोड़े बहुत डायमेंशंस में इंक्रीज़ करके ही महिंद्रा अपनी गाड़ी को इंडिया में लॉन्च कर पाएंगे, और बाकी जो गाड़ी के फीचर्स है वो आपको पहले से काफ़ी बेहतर मिलेंगे। जैसे कि जो अब वाली एक्सयूवी 5W होगी उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी, बड़ा आपको 9 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, लेदर की आपको सीट्स मिलेगी, आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, LED हेडलाइट्स आपको मिलेगी, टेल लाइट्स आपको मिलेगी, और जो बेसिक फीचर्स है इसके सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में वो सारे ही फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलेंगे। तो इस गाड़ी को भी इंडिया में टेस्ट करना शुरू कर दिया है महिंद्रा ने, जिससे ये कन्फर्म होता है कि 2020 में ये गाड़ी ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होगी। फिर जो इस लिस्ट की अगली गाड़ी है जो कि इंडिया में लॉन्च होगी 2020 में और जो कि इंडिया में 20 लाख रुपए से कम के बजट की आएगी, तो वो है स्कोडा की कमीक या फिर स्कोडा की 5 सीटर मिड साइज एसयूवी जो कि इंडिया में ह्यूंडा क्रेटा के साथ और बाकी किया सेल्टॉस के साथ अराइवल करेगी। तो इस गाड़ी का भी जो लॉन्च है इंडिया में एक्सपेक्टेड है कि 2020 में हो जाएगा, और इंडिया में काफ़ी अच्छे लग्जूरियस फीचर के साथ ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च की जाएगी। तो जैसे कि जो स्कोडा की गाड़ियों में आपको लुक्स तो काफ़ी अच्छी ही मिलती है, तो इस गाड़ी में भी आपको वैसी ही लुक्स मिलेगी, और इसमें आपको इंटीरियर जो है काफ़ी लग्जूरियस मिलेगा। इसमें आपको 9.2 इंच का आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा इसके डैशबोर्ड में, जो कि काफ़ी आपको पहले से स्मूथ मिलेगा और पहले से काफ़ी अच्छा होगा, और जो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुली डिजिटल मिलेगा, जैसे कि आपको ऑडी में वर्चुअल कॉकपिट मिलता है, और बाकी इसमें आपको सनरूफ मिलेगी, डुअल जोन एसी आपको मिलेगा, लेदर की आपको सीट्स मिलेगी, और बाकी जो बेसिक फीचर्स आप कह सकते हैं कि इसके सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में मिलते हैं तो वो सारे फीचर्स इसमें आपको मिलेंगे। और जैसे कि ये जर्मन गाड़ी है तो इसमें आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो इस गाड़ी का भी जो लॉन्च है इंडिया में 2020 में हो जाएगा, और अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी महंगी गाड़ी होने वाली है ये, लेकिन तब भी 20 लाख रुपए से कम के बजट में आप इसे खरीद सकते हैं। फिर जो इस लिस्ट की अगली गाड़ी है और जो सेकंड लास्ट गाड़ी है जो कि इंडिया में लॉन्च होगी 2020 में, वो है वॉक्सवैगन की टी रॉक। तो इस गाड़ी को जो ऑफिशियल लॉन्च है इंडिया में 2020 में पहले कुछ महीनों में ही हो जाएगा, जो कि वॉक्सवैगन ने कन्फर्म कर दिया है, और इस गाड़ी की जो टेस्टिंग है वो भी स्टार्ट हो चुकी है इंडिया में। तो जो वॉक्सवैगन की टी रॉक है, वॉक्सवैगन की भी एक 5 सीटर एक मिड साइज एसयूवी है जो कि वो इंडिया में लॉन्च करेंगे, और इंडिया में ये गाड़ी राइवल करेगी ह्यूंडा क्रेटा के साथ, किया सेल्टॉस के साथ, स्कोडा कमीक के साथ। और इस गाड़ी में भी जो आपको प्लेटफॉर्म मिलता है ये वही वाला प्लेटफॉर्म है जो कि आपको स्कोडा की कमीक में मिलता है, जो कि वॉक्सवैगन ग्रुप का MQB प्लेटफॉर्म, और इसलिए जो मेन डिफरेंस होगा स्कोडा की कमीक में और जो वॉक्सवैगन की टी रॉक में वो है उनकी थोड़ी बहुत लुक्स में और थोड़ी बहुत प्राइसिंग में, लेकिन बाकी जो गाड़ियां हैं वो बेसिकली सेम ही हैं और ऑलमोस्ट आपको दोनों में ही सेम ही इंजन्स मिलेंगे। तो जो वॉक्सवैगन की टी रॉक है उसमें आपको पेट्रोल के और डीजल के दोनों ही इंजन्स मिलेंगे इंडिया में। इस गाड़ी में आपको सनरूफ मिलेगी, आपको डुअल जोन एसी मिलेगा, और जो सारे फीचर्स आपको स्कोडा की कमीक में मिलते हैं तो वो सारे फीचर्स इस गाड़ी में मिलेंगे। और बाकी ये गाड़ी भी इंडिया में 20 लाख रुपए से कम के बजट में आएगी और काफ़ी अच्छी गाड़ी होगी ये भी। और फिर जो इसकी लास्ट गाड़ी है जो और जो कि टाटा की तरफ से है और जो कि इंडिया में लॉन्च होगी 2020 में और जो कि इंडिया में 20 लाख रुपए से कम के बजट में आएगी, तो वो है 2020 वाली टाटा की नेक्सॉन। तो इस गाड़ी की भी इंडिया में टेस्टिंग चल रही है और ये भी कन्फर्म हो चुका है कि 2020 के पहले महीने में ही टाटा इस गाड़ी को इंडिया में अनवील कर देंगे। तो जो 2020 वाली टाटा नेक्सॉन है वो तो इंडिया में 2020 में जैसे कि मैंने बोला लॉन्च हो जाएगी, और इसमें आपको माइनर से डिफरेंसेस मिलेंगे इसके लुक्स में और बाकी इसके फीचर्स में, और ज़्यादा कुछ रेडिकल डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो जो 2020 वाली टाटा नेक्सॉन होगी उसमें आपको फ्रंट में और रियर में आपको इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन लैंग्वेज मिलेगी, जो कि टाटा की नई डिज़ाइन लैंग्वेज है जो कि वो अपनी एल्ट्रॉज में और बाकी हैरियर में यूज़ कर रहे हैं। तो वैसी ही डिज़ाइन इस गाड़ी में आपको मिलेगा, और बाकी इसमें आपको इंटीरियर में आपको लेदर की आपको सीट्स मिलेगी,
और जिसका टच स्क्रीन डिस्प्ले है वो आपको पहले से अपडेटेड मिलेगा, और जो इसका ड्राइवर जोन है उसमें आपको 7 इंच का आपको जो MID आपको मिलता है वही इसमें आपको मिलेगा, जो कि अल्ट्रोस में भी मिलता है आपको। और एक और जो इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा वो ये है कि अब इस गाड़ी के जो इंजन होंगे वो आपको BS6 कंप्लायंट मिलेंगे, क्योंकि जैसे कि 2020 से इंडिया में BS6 नॉर्म्स कंपाइल हो जाएंगे, तो इसलिए जो टाटा की जो नेक्सॉन है वो भी इंडिया में BS6 नॉर्म्स से कंपाइल करने के लिए टाटा इसके इंजन में थोड़े बहुत डिफरेंसेस लाएंगे। और जो गाड़ी का प्राइस है वो तो आपको बेसिकली पहले जितना ही मिलेगा और जो कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। तो फिर आप कमेंट्स में मुझे लेके बताइएगा कि आपको इन 10 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आई, और इन 10 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी आप खरीदना पसंद करेंगे जब वो इंडिया में लॉन्च होगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।